हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के प्रेजेंटेशन का शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। स्टोरी शुरू होता है एक विलेज से, जहाँ पे एक ट्रेडर और उसका असिस्टेंट मंकी खरीदने के लिए आता है। स्टोरी का नाम है मंकी एंड इट्स ट्रेडर्स, राइट? तो एक ट्रेडर आता है, उसका असिस्टेंट आता है एक विलेज में मंकी खरीदने के लिए, और वो विलेज में अनाउंस करता है कि मैं मंकी खरीदूंगा 1000 रुपीज़ का, एक मंकी। तो मंकी गाँव वाले बोलते हैं, अरे मैड होगा ये, कैसे क्या खरीद सकता है, मंकी का इतना रेट थोड़ी रहता है। तो वो मंकी खरीदना शुरू कर देता है, लोग पकड़ के लाते हैं, उसको मंकी बेचते हैं। और कुछ दिनों के बाद और अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं वो और मंकी का रेट बढ़ा के मैं 2000 रुपीज़ में मंकी खरीदूंगा। तो लोगों की नींद हराम हो जाती है यार, कि ये 2000 रुपीज़ में एक मंकी कैसे क्या खरीद सकता है। वो खरीद लेता है ट्रेडर, और कुछ दिनों के बाद अनाउंसमेंट करता है ट्रेडर कि मैं एक मंकी 3000 रुपीज़ में खरीदूंगा। और वो न्यूज़ एकदम पूरे एरिया में फैल जाती है, पूरे लोग मंकी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो ट्रेडर को बेचते हैं, ट्रेडर मंकी खरीद लेता है। बाद में कुछ दिनों के बाद अनाउंसमेंट वो ट्रेडर करता है कि मैं एक मंकी 10,000 रुपीज़ में खरीदूंगा, राइट? एक मंकी 10,000 रुपीज़ में खरीदूंगा। और वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है, लोगों की नींद हराम हो जाती है, लोगों को लगता है कि बस अभी बहुत पैसा बनने वाला है। और वो जो ट्रेडर है अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, आप थोड़ा टेक केयर कीजिए मंकी जो भी अपन ने बाय किए लोगों से। वो शुरू हो जाता है फिर, लेकिन इतना मंकी इकट्ठा हो जाता है कि वो एरिया में मंकी पकड़ने के लिए बचते नहीं। तो वहीं उसका असिस्टेंट गांव में एक आदमी को जाके बताता है कि मैं आपको मंकी बेचने के लिए तैयार हूँ। तो गाँव वालों को लगता है कि यार 10,000 में वो खरीद रहा है, और वो बोलता है कि यार मैं आपको 7,000 में बेच दूंगा, उसका असिस्टेंट बोलता है, हालांकि उन्होंने खरीदे रहते 3000 रुपीज़ में। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग ऐसा है कि वो असिस्टेंट उनको 7,000 में मंकी बेच देता है, और कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन जाने के बाद, वो लोग वो ट्रेडर और असिस्टेंट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडर पहले ही घर जा चुका रहता है, असिस्टेंट पहले ही गायब हुआ रहता है, और वो लोग खाली मंकी लेके बैठ जाते हैं। तो स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 3000 में ट्रेडर ने खरीद लिया था, गाँव वालों को 7000 में दे दिया, कुछ मेहनत लगा नहीं है, जो भी मेहनत किया था गाँव वालों ने किया था उसको बेचने के लिए। अभी 7000 का मंकी का वो करेंगे क्या? तो ये स्टोरी मैंने आपको इसके लिए बताई कि आज के प्रेजेंटेशन से ये थोड़ा कहीं ना कहीं मेल खाती है। एग्जैक्टली मेल नहीं खाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेल खाएगी, और आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। ये एक ट्रेडिंग का टाइप है, कि ये टाइप का भी ट्रेडिंग होता है। और ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि खाली स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में होगा, ट्रेडिंग बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए, आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वेलकम, देखते हैं आज का प्रेजेंटेशन। जीएमएम फॉडलर के बारे में बहुत सारा न्यूज चल रहा है मार्केट में, और इसका मैंने नाम दिया है क्यूरियस केस ऑफ जीएमएम फॉडलर, राइट? चलिए वेलकम, देखते हैं आज का स्टोरी। बहुत न्यूज आया है मार्केट में जीएमएम फॉडलर के बारे में, तो देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू क्या है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जीएमएम फॉडलर इज द लीडिंग सप्लायर ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट टू द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, राइट? तो ये इक्विपमेंट बनाती है फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। इज द मार्केट लीडर इन 5 डिकेड्स, राइट? मार्केट लीडर है वो। मैन्युफैक्चर क्या करती है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट। तो ग्लास से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट रहते हैं वो बनाती है, किसके लिए, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, राइट? और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनके, मिक्सिंग सिस्टम, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, राइट? एक कंपनी मेजोरिटी प्रोडक्ट बनाती है ग्लास से रिलेटेड, कांच का प्रोडक्ट बनाती है, मेजोरिटी फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एक कंपनी का मोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट हुआ है, प्रोडक्ट में आता है फिल्ट्रेशन आता है, ड्राइंग इक्विपमेंट आता है, इंजीनियरिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आता है। तो ये मोटा मोटा है, मैं डीप गया नहीं हूँ इसमें, राइट? क्या बनाती है कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स है, राइट? लेकिन आज का जो न्यूज़ आया हुआ है, कल जो न्यूज़ आया था, सॉरी, कि OFS आया हुआ है और उसका मार्केट गिर गया है, 10% का लोअर सर्किट लगा गया था, तो खाली सेलर ही थे मार्केट में, बायर कोई था नहीं। तो इसके रिलेटेड ये वीडियो मुझे अच्छा लगा कि आपका एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको इस प्रेजेंटेशन से, इस केस स्टडी से कुछ सीख मिलेगी, राइट? तो चलिए देखते हैं, ये होगा कंपनी का ओवरव्यू। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, बिजनेस परफॉर्मेंस मैंने दिखा रहा हूँ, दो भाग में डिवाइड किया है, एक 10 साल का पार्ट और एक 3 ईयर्स का पार्ट। तो देखिए 10 ईयर्स पीरियड में इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है खाली 13% CAGR से। OPM है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%, पैट ग्रोथ है 22%। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ जबरदस्त है, एवरेज PE उनका 22.1, मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ 22.1, प्राइस टू बुक है 22.2,
डिविडेंड रेट है 0.1 और मार्केट कैप है 7605 करोड़, यानी 7000 करोड़ का एक कंपनी है राइट, अभी का अगर मैं बोलूंगा। और 10 साल का मैंने आपको परफॉर्मेंस बताया, और 3 साल का परफॉर्मेंस आप देखिए इमेज में दिख रहा होगा, 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ का परफॉर्मेंस है 19%, और वहीं पे 10 साल का था 13%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ था 16% 3 साल में, 10 साल में 13% राइट, पैट का ग्रोथ 10 साल में था 22%, 3 इयर्स में 32%। देखिए पैट ग्रोथ बढ़ा है खाली आखिरी 3 साल में, एवरेज पी था 3 इयर्स में 33.6 और 10 इयर्स में था 22.1, तो पी एक्सपांड हुआ है लास्ट के 3 इयर्स में, प्राइस टू बुक वही मैंने बताया आपको। देखिए अगर एवरेज में उसका आरओई पकड़ो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 15% का है, पूरे 10 साल का बता रहा हूँ मैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खाली 14% है। मैं 10 साल का परफॉर्मेंस इसके लिए बता रहा हूँ कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, कंपनी 10 साल में कहाँ स्टैंड हुई, क्या क्या किया, और 3 इयर्स का इसके लिए ले रहा हूँ कि उसका शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा करेक्ट। देखिए 9 साल में एक कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 191 करोड़, लगभग 200 करोड़ उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। रिटेन अर्निंग यानी उन्होंने अपने पास रिटर्न कितना रखा डिविडेंड देने के बाद, वो रखा है 234 करोड़ लास्ट के 10 साल में। युवा कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कोई फंड मैनेजर खरीद लेता है, कोई पीएमएस खरीद लेता है, तो हम उस बिजनेस को बहुत ग्रेट समझ लेते हैं राइट, कि बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके जैसा कोई मोनोपोली है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जेएमएम फॉडलर का बिजनेस खराब है राइट, लेकिन आप एक चीज थोड़ा मुझे करेक्ट करके बताइए अगर मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कंपनी बनाती है करेक्ट, अगर कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या केमिकल कंपनी ने वो खरीदा है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको 6 महीने में इक्विपमेंट लगने वाला है राइट, या साल भर में लगने वाला है, इसका रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत कम होता है राइट। मैं आपको जो चीज़ समझ में समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा करेक्टली समझिए, उसका रिप्लेसमेंट डिमांड मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई उनका क्लाइंट है तो वहाँ से उनको रिप्लेसमेंट कितने सालों में आता है, यानी कितना उनका प्रोडक्ट कंज्यूम जल्दी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यह कंपनी का प्रोडक्ट इतना जल्दी 6 महीने में या साल भर में रिपीटेड उसका डिमांड आता होगा वही सेम कंपनी से राइट। तो ये आप उसमें पॉइंट ध्यान में रखिए, ये हो गया उसका पास्ट परफॉर्मेंस बिजनेस। तो देखिए अभी आपको इमेज में दिख रहा होगा मार्केट कैप एंड पी, मार्केट कैप एंड पी में मैं अगर आपको बताऊंगा तो 2011 में इसका मार्केट कैप था खाली 145 करोड़ 2011 में, और 2020 में है 3669 करोड़, और अभी जो करंट मैं बता रहा हूँ वो है 7605 करोड़ करेक्ट। 150 करोड़ कहाँ पे और 7000 करोड़ कहाँ पे राइट, इतना उसका मार्केट कैप बढ़ा, यानी इतना बड़ा उन्होंने रिटर्न दिया, 100 करोड़ का 7000 करोड़ हुआ है। उसका पी था 2011 में 12, अभी का अगर मार्च 20 का मैं पी बताऊं तो 52 का है, और करंट का पी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कल के स्टॉक के प्राइस से तो 104.72 है, मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ 104 का उसका पी है राइट। और अगर आप ग्राफ में देखना चाहोगे, ग्राफ जैसे आपको दिख रहा होगा मार्केट कैप का, तो देखिए 2018 में खाली 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, यह करंट अभी का मार्केट कैप 7605 है, यानी 7.6 टाइम उसका मार्केट कैप बढ़ा है राइट। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 2018 में 1000 करोड़ की कंपनी थी, अभी वो 7000 करोड़ की बन गई है, तो 7.6 टाइम्स उसका मार्केट कैप बढ़ा है राइट। और उसका जो पी है, पी का एक्सपेंशन अगर जैसे आप ग्राफ में देख रहे होगे, तो 2018 में 35 का पी था, एवरेज पी तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, 2018 का पी बता रहा हूँ था 35 का, और अभी का पी है 10.72, यानी कितना टाइम्स बढ़ा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स उसका पी एक्सपांड हुआ है 3 साल में राइट। और उसका मार्केट कैप एक्सपांड हुआ है 7.6 टाइम्स करेक्ट। और अगर मैं उसका एवरेज पी बताऊं आपको 10 साल का, तो है 22.1, आप पे कर रहे हो उसका 52.104 का पी, और 3 साल का पी है 33.6 राइट। अगर मैं आपको और एक चीज थोड़ा करेक्ट करके बताऊं, अगर आप एवरेज पी का उसका रेट निकालोगे कि एवरेज पी से कंपनी का आज का शेयर का भाव क्या रहना चाहिए, तो 22.1 का अगर मैं 10 साल का एवरेज पी पकड़ता हूँ तो उसका फेयर वैल्यू आ रहा है 1098, आप करेक्ट सुन रहे हो 1098। और अगर मैं 3 साल का एवरेज पी पकड़ू 33.6 का अगर पी पकड़ू तो आज का रेट आ रहा है 1670 करेक्ट। मैंने उसमें ईपीएस पकड़ा है 49.69 का, आपको इमेज में दिख रहा होगा कैलकुलेशन। तो जो कंपनी आपको यानी जो उसका रेट चल रहा है वो रेट से कई गुना कम आने वाला है, 1000 से 1600 रुपये तक उसका रेट रहने वाला है अगर आप एवरेज पी पकड़ोगे तो।
करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी प्ले होता है जो कि इन्वेस्टमेंट में जिसको बोला जाता है ग्रेटर फूल थ्योरी। क्या बोला जाता है? ग्रेटर फूल थ्योरी। ग्रेटर फूल थ्योरी का मतलब क्या होता है आप समझिए। द ग्रेटर फूल थ्योरी स्टेट्स दैट इट इज पॉसिबल टू मेक मनी बाय बाइंग सिक्योरिटीज। अगर आप कहीं स्टॉक खरीदते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इससे पैसा बनेगा और बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा, वेदर और नॉट दे आर ओवर वैल्यूड। आप वो देखते नहीं कि ओवर वैल्यूड है या क्या है। बाय सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट एट अ लेटर डेट। आप खरीद लेते हो, ओवर वैल्यूएशन देखते नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि कोई और उसको खरीदेगा और इससे आपका पैसा बनेगा। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? देयर विल ऑलवेज बी समवन। आपको ऐसा लगता है कि वहां पे ऐसा कोई तो भी बंदा रहेगा जो आपसे खरीदेगा, जो आपसे बिगर या ग्रेटर फूल होगा, हु इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। वही सेम जेएमएम फॉडलर में हुआ है। जो कंपनी 2018 में 1,000 करोड़ की थी, 7,605 करोड़ की हुई है, उसका सेल्स ग्रोथ 22% का है, अराउंड 22% का है, राइट? और उसको आप 104 का पी दे रहे हो, राइट? पी एक्सपांड बहुत जबरदस्त हुआ है उसका। तो ये क्यों खरीदा है रिटेल लोगों ने, या जो जो ज्यादा रेट में फंसा हुआ है, 6,000 के अराउंड जो रेट में अभी लोगों ने लेके बैठे, वो क्यों उसमें फंसे हुए? क्योंकि उनको लगता था कि ये कंपनी बस अभी शेयर है 10,000 रुपीज का होगा, 9,000 रुपीज का होगा। आपको याद आ रहा होगा मंकी का स्टोरी, करेक्ट? ये उससे रिलेटेड होता है। तो ग्रेटर फुल थ्योरी एक थ्योरी है जो इन्वेस्टमेंट में यूज होता है कि हर टाइम पे इन्वेस्टर को लगता है कि उससे बड़ा कोई फूल है जो ओवर वैल्यूड लेवल में खरीदेगा। तो आपको ऐसा अगर लग रहा होगा कि 6,000 का शेयर 10,000 में होगा, अर्निंग उसका मॉडरेट अर्निंग है, ग्रेट अर्निंग नहीं है, मॉडरेट अर्निंग है, तो अगर वो समझो 10,000 का होगा तो उसका पीई क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? अराउंड 200। तो 200 का पीई होता है कहीं? तो पी इसका वैसे भी 104 है, इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है, बहुत ओवर वैल्यूड कंपनी, राइट? ये हो गया कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस और कंपनी के बारे में, राइट? तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि ये कंपनी में शेयर होल्डर कौन कौन है। तो देखिए, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, जीएमएम फॉडलर का शेयर होल्डिंग बता रहा हूँ, प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग में 12 लोग हैं, उनके पास 75% है। कितना? 75%। टोटल पब्लिक शेयर होल्डर है अराउंड 29,232। इतने लोग उसके शेयर होल्डर है पब्लिक में, और वो है अराउंड 25%। प्रमोटर के पास 75% हिस्सा है और 25% पब्लिक का हिस्सा है। इससे आपको एक चीज समझ में आता होगा कि प्रमोटर के शेयर का ट्रेडिंग मार्केट में होता नहीं है, होता है पब्लिक के शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि पूरे परसेंटेज के कितने नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, राइट? तो खाली 25% शेयर होल्डिंग का खाली ट्रेडिंग होता है मार्केट में, यानी बहुत लो फ्लोट कंपनी था, यानी नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इनके ट्रेड होते नहीं है कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ शेयर, राइट? और प्रमोटर ग्रुप में कौन है? तो जीएमएम जो इंडियन कंपनी है, तो उनके 11 मेंबर है, उनके पास 24.56% है। और फॉरेन जो है प्रमोटरों का, जो है फॉडलर इंक, उनका है 1 प्रमोटर है और उनके पास है 50.44। तो जेएमएम फॉडलर का 75% प्रमोटर का, 25% हिस्सा पब्लिक का, 75% में इंडियन प्रमोटर के पास अराउंड 25%, और बाकी का जो बचा है 50% वो फॉरेन के पास, यानी फॉडलर इनके पास। ये हो गया मोटा मोटा उनका शेयर होल्डिंग। तो चलिए देखते हैं अभी जो हुआ है ये रिटेल इन्वेस्टर से हुआ है, तो रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा इसमें कितना था? देखिए, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू ₹2 लाख, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, 2 लाख का जिनके पास शेयर कैपिटल है अराउंड 2 लाख के करीब, ये हो गए रिटेल इन्वेस्टर। वो है 27,213 रिटेल इन्वेस्टर एक कंपनी में। उनके पास शेयर है 22,10,529, यानी 22 लाख शेयर उनके पास है, और परसेंटेज शेयर होल्डिंग हुआ 15%, 15.12%। तो 15% खाली रिटेल पब्लिक के पास है जो डेली 1 शेयर, 10 शेयर, 2 शेयर खरीदता है, राइट? और एक्सेस ऑफ ₹2 लाख जिनके पास शेयर कैपिटल के एक्सेस 2 लाख से ज्यादा है, वो एक ही है, इनके पास है 1,18,125 शेयर, यानी 0.18%। तो अराउंड टोटल इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग कितना हुआ जो मोटा मोटा पब्लिक के पास है, वो है 15.93, राइट? ये इंडिविजुअल लेवल का मैं बता रहा हूँ। और टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है? 25%। तो देखिए, 75, देखिए पूरा 100% में से 75% इनका देखिए पूरा टोटल 100% में से 75% इनका प्रमोटर के पास है, 50 सॉरी देखिए टोटल शेयर होल्डिंग में से 100% से 75% प्रमोटर के पास है, 25% उनका पब्लिक के पास है, 75% में से भी 25% इंडियन
प्रमोटर के पास है, और 50% इनका फॉरेन हॉडलरिंग के पास है, और वो 25% में से भी 15.93 यानी 25% पब्लिक के पास, उसमें से भी 15.93 यानी अगर राउंड अप कर दो 16% खाली रिटेल लोगों के पास है, बचा कितना खाली 14%, राइट। तो अभी जो OFS आया है, ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि इनके प्रमोटर लोग जो शेयर बेचेंगे, जो बेचने वाला है उसको पैसा जाने वाला है, ना कि ये कंपनी के पास आने वाला है, कंपनी या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे नहीं। ऑफर फॉर सेल आया है कि जो उसमें उनके जो प्रमोटर है वो शेयर बेचेंगे। तो OFS 3 लोगों ने लाया है, एक है हॉडलर इंक जो उनका फॉरेन का प्रमोटर है, राइट, उर्मी अशोक पटेल जो इंडियन प्रमोटर है, और मिलर्स मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कन्फ्यूज मत हुई, मिलर्स मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 डायरेक्टर हैं, अशोक पटेल और तारक पटेल, राइट। तो फॉडलर इनके पास कितना हिस्सा है, 50.44 जो फॉरेन है। उर्मी पटेल के पास है 4.28%, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, और मिलर्स मशीनरी कंपनी के पास है 11.12%, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास है 96,23,000 शेयर उनके पास है, ये होता है 65.84% है, 65% उनके पास हिस्सा है, राइट। और अभी जो ऑफर आया हुआ है, ये ऑफर है टोटल 40,93,000 यानी 40,93,000 शेयर्स का इनका ऑफर आया हुआ है। तो ऑफर में 2 टाइप है, एक तो बेस ऑफर है और दूसरा एक एडिशनल ऑफर है, यानी उसको और सब्सक्रिप्शन ऑफर आप बोल सकते हो। तो जो बेस ऑफर है वो है 25,71,000 शेयर्स का, जो है 17.59% का, ये हो गया बेस ऑफर। अगर इससे अगर किसी ने ज़्यादा डिमांड हुआ है उसका, तो एडिशनल शेयर वो दे सकते हैं आपको, 15,21,000 शेयर दे सकते हैं। तो मोटा मोटा ये लोग 28% उनका हिस्सा बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? प्रमोटर लोग, उसमें फॉरेन का भी प्रमोटर है, इंडियन प्रमोटर है, जिनके पास 65% हिस्सा है उसमें से वो लोग 28% बेच रहे हैं। ये भी ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास पैसा आएगा नहीं, जो बेचेगा उसके पास आएगा, राइट। तो ये जो मैं आपको ऑफर बता रहा हूँ, देखिए टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, अभी ये स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा, टोटल शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के पास है वो 25%, कितना है 25%, वो नंबर ऑफ शेयर होते हैं 36 लाख शेयर्स, अराउंड 36.54 लाख शेयर्स, राइट। और टोटल ऑफर कितने शेयर्स का है, 40 लाख शेयर का, यानी जितना पब्लिक के पास है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे एक ही चीज़ होगा कि कंपनी का फ्री फ्लोट बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ेगा, करेक्ट। अगर ये ट्रेडिंग अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अल्टीमेटली इसका रेट कम करने वाला है, शेयर का प्राइस कम होने वाला है। यानी जहाँ तक मैं टेक्निकल एनालिसिस समझता हूँ या ट्रेडिंग समझता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जहाँ तक समझता हूँ, मेजॉरिटी भाव जो डिपेंड होता है, रेट जो डिपेंड होता है, वो सप्लाई डिमांड पे होता है, राइट। अगर सप्लाई इतना ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का, तो डिमांड वैसे भी उसको कम रहने वाली है, क्योंकि कम फ्री फ्लोट वाली कंपनी थी, तो अल्टीमेटली इसका भाव कम होने वाला है, यानी डाउनफॉल होने वाला है स्टॉक्स में, सादा सिंपल है। तो इसका जो अभी ये जो OFS आया, लोगों को लग रहा है कि चीटिंग किया, ये किया, वो किया, वो तो अलग पार्ट है, आप जो समझना चाहते हो समझ लीजिए। लेकिन एक प्रेस रिलीज हुई थी 22 अगस्त को 2020 यही साल में, इसमें जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, JMM फॉडलर टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन द ग्लोबल बिजनेस ऑफ फॉडलर ग्रुप, यानी फॉडलर ग्रुप में मेजोरिटी स्टेक लेना चाहते। लेकिन इसमें एक थोड़ा आपको समझने लायक चीज़ है कि देखिए क्या हुआ है, JMM फॉडलर जो इंडियन कंपनी है, राइट, इसका पेरेंट कंपनी है फॉडलर ग्रुप, राइट। फॉडलर ग्रुप में और एक शेयर होल्डर है जिसको बोलते हैं DBAG, डिबाग, राइट। तो डिबाग का मतलब होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, डैचे बेटलीगंज एजी फंड 6, इसका मतलब होता है DBAG, यानी एक PE फंड है जो फॉडलर इनके पेरेंट ग्रुप में इनका होल्डिंग था। तो JMM फॉडलर में से, इंडियन JMM फॉडलर में से, JMM इसका 54% हिस्सा खरीदना चाहता है, किससे, डिबाग से, DBAG से, जो होता है 201 करोड़ का, वो खरीदेगा इंटरनल एक्यूरल से और डेट लेके, यानी कर्जा लेके और इंटरनल जो इनके पास पैसा है उससे वो खरीदना चाहते हैं 54%, किससे खरीद रहे हैं, DBAG PE फंड से। और पटेल फैमिली जो JMM ग्रुप का यानी होल्डिंग रखती है, वो खरीद रहा है 26%। सिंपल लैंग्वेज में ये होगा इनका काम। तो मेजोरिटी क्या हो रहा है कि जो PE फंड था उनसे ये शेयर होल्डिंग खरीद रहे हैं पेरेंट ग्रुप का, राइट। तो देखिए अभी इससे क्या कैलकुलेशन निकलने वाला है, मैं आपको इजीली बता रहा हूं कि इससे कैलकुलेशन क्या निकलने वाला है, राइट।
तो बहुत सारी चीजें हुई मार्केट में, बहुत हल्ला मच गया कल की क्या होने वाला है क्या होने लगा। लोअर सर्किट लग गया 10% का, सेलर बढ़ गए, बायर कोई था नहीं। तो जो जिन्होंने ज्यादा रेट पे खरीदा है वो खुद को चीटेड फील कर रहे थे, यार मेरे साथ चीट हुआ है, कंपनी ने क्या कर दिया। क्योंकि 6,000 का रेट था और कंपनी ने OFS लाया 3,500 पर शेयर का, राइट, अराउंड 50% वैसे भी डाउन पे है वो, तो इतना कम कैसे कंपनी ला सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि आपने इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस का परफॉर्मेंस कंपनी का देखा ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, साल में एक कंपनी का शेयर 10 गुना हुआ है, यानी आपको इमेज में दिख रहा होगा नवंबर 17 को ये 603 रुपये का शेयर था और अगस्त 20 में ये 6,003 का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम शेयर का भाव हो गया 3 साल में। तो इतना इसका अर्निंग बढ़ा है या सेल्स बढ़ा है ये किसी ने देखा नहीं, शेयर खरीद लिया। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए और 3 साल का देखिए, सेल्स ग्रोथ 10 साल में 13% था, 3 साल में 19% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ 13% है 10 साल में, 3 साल में 16% है। पैड ग्रोथ 22% 10 साल में है, 3 साल में 32% है। एवरेज पी 10 साल का 22.1 है, यानी 22 का पी है 10 साल में, 3 साल में उसका 33 का पी है, राइट। और अगर आप ये सब देखोगे तो यार शेयर तो खरीद लिया अभी क्या करेंगे, तो देखिए आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। आपके कंट्रोल में मैनेजमेंट तो है ही नहीं, राइट, अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपका कोई सुनने भी वाला नहीं है। बिजनेस परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में नहीं है और स्टॉक का प्राइस वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर आप पैसा क्यों लगाते हो। जो आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है आपका बिहेवियर। आप ये थोड़ी चीज शांति से समझिए, आपका बिहेवियर यानी आप उस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हो, राइट, ये आपके कंट्रोल में है। दूसरा बाई, आप कौन से रेट में खरीदना चाहते हो, कौन से रेट में बेचना चाहते हो, ये आपके कंट्रोल में है, करेक्ट। अगर आपके कंट्रोल में जो है अगर उसके ऊपर आपने कंट्रोल रखा होता तो आज एक दिन आपको दिखने को नहीं मिलता, करेक्ट। तो चलिए देखिए, अगर ये हो गया ऑलमोस्ट मोटा मोटा कंक्लूजन, तो इसमें प्रमोटर या जो भी शेयर बेच रहे एथिकल है नहीं है ये तो बहुत आगे का सब्जेक्ट है। देखिए अभी आपको इमेज में दिख रहा होगा कि अभी ऑफर फॉर सेल आया है वो है 3,500 पर शेयर के हिसाब से, राइट। और अभी इसका अगर मैं EPS 49.65 का पकड़ूंगा तो आपको पी कंपनी जो प्रमोटर बेच रहे हैं वो पी क्लेम कर रहे हैं 70.44 का। तो आप एक चीज समझिए कि जिसका PE 104 है प्रमोटर लोग उसका 70 का पीई मांग रहे हैं, तो और इसका परफॉर्मेंस भी देखिए कंपनी का 10 साल का, तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं है। लेकिन कोई फंड मैनेजर ने बेचा खरीदा है या किसी ने हाइप बनाया है या किसी ने बोला क्वालिटी कंपनी है, मैं ज़्यादा बिजनेस में जाने वाला नहीं, क्वालिटी है नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको क्वालिटी समझते हो और किसको नहीं समझते हो, राइट। तो 70 का पी अगर प्रमोटर क्लेम कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत यानी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड है GMM फॉडलर जैसी कंपनी के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे और एक सवाल ऐसा आता है कि क्या फिर इसके प्रमोटर एथिकल है। देखिए एक बहुत थिन लाइन होता है अनएथिकल और इलीगल में, बहुत थिन डेफिनेशन होता है कि इलीगल क्या है और अनएथिकल क्या है। कंपनी के प्रमोटर ने कोई इलीगल काम नहीं किया, ऑफर फॉर सेल ला सकते हैं, ऑफर फॉर सेल उन्होंने लाया, ऑफर फॉर सेल उन्होंने वो 104 का जो पी है यानी जो कल का रेट था वो रेट में तो ला नहीं सकते क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड हो जाता था, उन्होंने 70 की पी पे लाया, तो इलीगल तो नहीं है, अनएथिकल है या नहीं है वो आप डिसाइड कीजिए, करेक्ट। तो देखिए ये कहाँ पे गलत हुए हैं, पूरा जो रिटेल कम्युनिटी है ये कहाँ पे गलत हुआ है। तो देखिए आपको थोड़ा बैक में जाना होगा, आपको बहुत सारा चीज देखना होगा। तो उसमें एक बेंजामिन ग्राहम करके बहुत बड़े इन्वेस्टर है जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, उन्होंने बोला था कि द इन्वेस्टर चीप प्रॉब्लम इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। तो इसमें आप गुनहगार हो, राइट, आप खुद का एनिमी बहुत ज्यादा बन गए हो कि आप कोई भी रेट में खरीदना चाहते हो और आपका इच्छा ऐसा है कि उससे भी ज्यादा रेट का खरीददार मुझे मिले, राइट, ग्रेटर पुल थ्योरी। तो देखिए ये बेंजामिन ग्राहम का सेंटेंस है, ये अगर आप ध्यान में रखते थे कि मेरा एनिमी मैं खुद हूँ, ना कि मार्केट है, ना कि प्रमोटर है, ना तो बिजनेस परफॉर्मेंस है, राइट। और इसमें आप 3 जगह गलती किए हो, देखिए बेंजामिन ग्राहम का इमेज आपको दिख रहा होगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन क्या होता है ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन व्हिच अपॉन थरो एनालिसिस प्रॉमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, राइट, एंड अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्युलेटिव। क्या बोल रहे हैं कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने डेफिनेशन में बताया, पहला बताया थरो एनालिसिस,
आपने वो बिजनेस का पूरा देखा ही नहीं, 10 साल का 3 साल का क्या हो रहा है। प्रॉमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, वो भी आपने देखा नहीं। 104, 70, 80 की पीई पे आप खरीदते रहे और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न आपने देखा ही नहीं। आपको लगा यहाँ से अभी अगर वो समझो 8 टाइम्स हुआ है, राइट, 4 टाइम्स उसका पी एक्सपांड हुआ है, तो आपको लगा कि यहाँ से भी उतना ही मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। तो ये तीन जगह पे सब लोगों ने गलती किया है। अगर आप इन तीन चीज़ों पर से अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पे, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दिया है, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, राइट। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग ये नहीं है कि कोई ट्रेडर आएगा, मंकी मांगेगा, आप उसको वो रेट बोलेगा मैं 10,000 में खरीदने वाला और वो खुद मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो इससे एक चीज बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलेगी आज आपको, वो है नेवर बाय क्वालिटी एट एनी प्राइस। आपके हिसाब से अगर वो कंपनी क्वालिटी है, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 10 साल का 3 साल के परफॉर्मेंस से तो मुझे कहीं से वो क्वालिटी दिख नहीं रही है, राइट। अगर आपके हिसाब से अगर वो क्वालिटी है, कितना भी क्वालिटी रहने दो, कोई भी प्राइस पे उसको खरीदो मत। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंडर आता है, राइट, उसका इंट्रेंसिक वैल्यू उतना है या आपको उसका पी मल्टीपल कम में मिल रहा है, मैं आपको एक ही वैल्यूएशन का टेक्निक बताया कि पी मल्टीपल पे, क्योंकि ईजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, आपको समझने के लिए। तो ये सीख कभी भी ध्यान में रखिए, नेवर बाय क्वालिटी एट एनी प्राइस, करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए। और मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो www.harishkolkar.com, वहाँ पे मैंने 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, राइट, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। उसके लिए आप सब्सक्राइब होइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर संडे 2 घंटे जूम पे पढ़ाता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी